सभी महानुभाव साथियों आई और बहन, आज इस होटल का उद्घाटन मुझे हम लोगों के विकास यात्रा का एक पड़ाव मानिए, हमारे क्षेत्र के विकास यात्रा का एक पड़ाव मानिए। विकास का यही सब निशानी है, अच्छे होटल, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, यही विकास। और जिस तरह से ये होटल बना है और जिस तरह से और भी होटल हमारे यहाँ बने हैं और बन रहे हैं, यह स्पष्ट है कि हमारा क्षेत्र विकास कर रहा है। हमारे जितने रोड हैं, आपके सामने भी जो रोड है उसका भी चौड़ीकरण हो रहा है, रिंग रोड भी हो जाएगा। तो भारत सरकार की सहायता से या भारत सरकार के मंत्रालयों की सहायता से जो विकास हो सकता है वो तो हम लोग करवा रहे हैं। अभी भी उसका विकास का काम बाकी है, जैसे हमने कहा कि रिंग रोड हो जाएगा तो हम लोग को सहूलियत हो जाएगी, नहर का पक्कीकरण हो जाएगा तो हम लोग को सहूलियत हो जाएगी। अभी भी विकास, भारत सरकार से जो विकास होना है वो अभी भी कुछ कुछ बाकी है, ऐसा नहीं कि हो गया। लेकिन राज्य सरकार से जो विकास है उसमें कठिनाई है। हमारे जितने ये जिला के बाशिंदे हैं वो सब लोग ऐसे ही आगे बढ़ आकर के उद्यमी बन कर करके तरक्की करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हम भगवान नारायण का चेला है, उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये जीर्णोद्धार हमारे हाथ से लिखा हुआ था। और विद्यालय और कॉलेज चलाने के बाद यही बगल में था, इसको इनोग्रेशन किया गया और इसको डेवलप किया गया, क्योंकि आवश्यकता थी शहर की आबादी के अनुसार। और भी शहर के अंदर में बहुत बड़ा क्राउड है, तो क्राउड से बाहर और एक नेचुरल वातावरण है जो कि खुला माहौल है यहाँ पर, और आपको पार्किंग वगैरह का सुनिश्चित व्यवस्था है। साथ ही 45,000 वर्ग फीट में ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जिसमें अभी जो आपने कार्यक्रम यहाँ हुआ ये 13,000 स्क्वायर फीट है, और इसके ऊपर रूफटॉप है 13,000 स्क्वायर फीट। साथ ही इसमें ऊपर में 12,200 स्क्वायर फीट का आपको हॉल है, और जो है कि नीचे ग्राउंड फ्लोर में 10,000 स्क्वायर फीट का हॉल है।